अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं मिस्टर एस के यूट्यूब चैनल। अगर आप अपनी फेसबुक की आईडी को रिमूव या डिलीट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप अपनी फेसबुक की आईडी को रिमूव या डिलीट कर सकते हैं हमेशा के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो जैसे आप फेसबुक ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको थ्री लाइन पे जाना है। थ्री लाइन पे जैसे आप जाते हैं तो यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे जाना है एंड यहाँ पे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको जो है आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल पर आप प्रेस कर देंगे। प्रेस कर देने के बाद यहाँ पर आपको कुछ टाइम लोडिंग होने के बाद एक इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको वो ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, एक होगा डीएक्टिवेशन एंड डिलीट वाला। तो यहाँ पे आप जैसे पहले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला आपको देखने को मिल जाएगा डीएक्टिवेट अकाउंट, आपका जो है अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। और अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपका जो है यहाँ पर कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीटेशन वाला ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको कह रहा है कि आपके मैसेंजर वगैरह भी डिलीट डीएक्टिवेट कर दिए जाएं। तो यहाँ पे आप वो भी कर सकते हैं, अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और डिलीट अकाउंट पे आप जैसे प्रेस करते हैं तो आपका वो अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसे प्रेस करते हैं आप अपने डिलीट अकाउंट पर, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा मेथड है, क्या करना है अपनी आईडी का, जो आप आईडी डिलीट रिमूव या डिलीट करना चाहते हैं तो वो पासवर्ड दे देना है। जैसे कि यहाँ पे जैसे पासवर्ड देने के बाद ये आपका अगर गलत होगा तो ऐसे कहेगा, अगर सही होगा तो आपका डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको खास ख्याल ये रखना है कि आपका पासवर्ड वो कन्फर्म आपको याद होना चाहिए, तभी आपकी आईडी डिलीट हो सकती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी आईडी जो मैंने अभी डिलीट की वो हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। Thanks for watching. Allah Hafiz.